नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? राधे कुशवाहा नाम। राधे कुशवाहा जी, गांव कौन सा है? पलौठा। पलौठा, तो ये मूली आपने जो लगाई है, कौन सी मूली लगाई? ये रबी की मूली है सर। रबी हाइब्रिड सीड्स की आयरिस मूली है, है ना? क्या इसकी खासियत लगी आपको? ये मूली तो सही आ रही है सर, जल्दी आ भी रही है। अच्छा, इसकी लंबाई भी साफ मूली आ रही है। साफ मूली आ रही है। पहले आप कौन सी मूली लगाते थे? पहले मूली सिंजेंटा की लगा रहे थे। सिंजेंटा की लगाते थे। सिंजेंटा की मूली में सर ये जड़े आ रही है, इसमें जड़े आती है। जी 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 जी, जड़े भी आ रही है। ज्यादा मतलब जान तक लगा रहे थे, पाला टाइप का पड़ जाता है। पाला टाइप का पड़ जाता है। और ये मूली कैसी लग रही है, इसमें बाल कैसे आ रहे हैं? ये मूली साफ आ रही है, सीधी मूली आ रही है। साफ मूली जल्दी भी आ रही है। अच्छा, जल्दी भी आ रही है, मतलब सिंजेंटा से जल्दी भी आ रही है, सिंजेंटा से जल्दी। और उसमें जड़े भी कम आ रही है। लंबाई कैसी? लंबाई भी सही आ रही है। अच्छा, मार्केट में रेट वगैरह कैसे क्या मिल रहे हैं? मार्केट में रेट तो ये सबसे सही बिक्री है, सबसे सही बिक्री है। दूसरा क्या होता है कुशवाहा जी, मैं बताऊं, इसमें पत्तियों की जो संख्या रहती है, क्योंकि ये तोल से तो बिकती नहीं है, नख से बिकती है। जिसमें पत्तियां ज्यादा रहती हैं, उसमें वजन ज्यादा ढोना पड़ता है। इसमें पत्तियों की संख्या कम होने के कारण ये मूली आपकी 40 दिन से उखड़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यदि आपको लगता है कि मार्केट में रेट नहीं मिल रहे हैं, तो इसको 60 दिन में उखाड़ें, 65 दिन में उखाड़ें, 70 दिन में उखाड़ें, इवन 80 दिन में भी उखाड़ेंगे, तो ये शेप और साइज नहीं खोएगी। सिंजेंटा की तो मतलब अगर ज्यादा दिन हो जाए तो उसमें मतलब कोलापन सा आ जाता, कोलापन आ जाता, इसमें वो कोलापन नहीं आएगा, है ना? ना तो इसमें दूसरी जड़ें डेवलप होंगी, ना इसमें पीलापन आएगा, ना ये पोली पड़ेगी। तो ये रबी हाइब्रिड सीड्स की आयरिस मूली की यही खासियत है कि एक तो आपका जल्दी तैयार हो जाती है, 40 से 42 दिन में उखड़ना चालू हो जाती है। दूसरा सिलेंड्रिकल शेप रहता है, बालों की संख्या बहुत कम रहती है। तीसरा आपका ये सफेदपन जबरदस्त तरीके से रहता है, इसमें जड़ भी नहीं आती। तो ये रबी हाइब्रिड सीड्स की आयरिस मूली। धन्यवाद।